दैनिक सवेरा टीवी आप देख रहे हैं, मैं हिमांशु और बात करते हैं वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की जो इस वक्त UAE में चल रहा है। अगर भारत के ग्रुप की बात करें, भारत के ग्रुप में जो 5 टीमें हैं ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका। और अगर भारत के ग्रुप की पॉइंट्स टेबल की बात करें, ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है। ऑस्ट्रेलिया की पंजाब चों गैंगस्टरवाद दा सफाया करन लई मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दी अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स दा गठन कीता है। हमने आते ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई। मैं अपनी फोर्स को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर पता नहीं कितने घरों के चूल्हों की आग जो बुझने वाली थी उसको बचा लिया। मैं 3.25 करोड़ लोगों की सुरक्षा की गारंटी लेता हूं, मेरा काम है, क्योंकि मुझे इतना प्यार दिया आपने, इतना प्यार दिया, अब जिम्मेदारी मेरी है। आपने अपना फर्ज निभा दिया, अब फर्ज निभाने की बारी मेरी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दिया हदायतां ते AGTF ने सख्ती दिखांदिया हुण तक पंजाब अंदर अपराधिक मामलियां नूं लैके 1100 तों वध गिरफ्तारियां कीतियां, जबकि 1165 नजायज हथियार अते अपराध लई वरते 270 वाहन बरामद कीते ने। पंजाब सरकार दा मुख मकसद अपराध ते रोक लगा के सूबे दे लोकां नूं इक सुखावां माहौल प्रदान करना है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जो कहा ओ कर दिखाया, पंजाब चों हो रिहा अपराध दा सफाया। जो वुमेन्स टीम है उन्होंने अभी तक 2 मैच खेले हैं, दोनों जीते हैं और 4 पॉइंट्स के साथ वो टॉप पर हैं। वो इसलिए क्योंकि उनकी रन रेट बहुत अच्छी है, +2.524। और भारत जो दूसरे पायदान पर है, 3 में से 2 मैच जीते हैं। एक हमने शुरुआती मैच हारा था उस टीम के अगेंस्ट, जो टीम न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 10 T20 मैचेस हारकर इस वर्ल्ड कप में खेलने आई थी, और उन्होंने पहला मैच ही 58 रनों से भारत को हरा दिया था। भारत की रन रेट माइनस में थी। एक बहुत बड़ा टास्क था अगले मैच में कि श्रीलंका को हराना है और बड़े मार्जिन से हराना है। हुआ भी वो, और भारत ने अपनी रन रेट में सुधार किया और भारत की रन रेट है इस वक्त +0.576। 4 पॉइंट्स के साथ भारतीय टीम दूसरे पायदान पर है। और अब भारत का सिर्फ एक मुकाबला बचा है, 13 तारीख को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वो जीतना ही होगा। अगर भारत वो मुकाबला हार गई तो 2 टीमें और बैठी हैं, पाकिस्तान जो अभी सिर्फ 2 मैच खेले उन्होंने और 1 मैच हारा है भारत से और 1 मैच जीता है उन्होंने, 2 पॉइंट्स हैं उनके, रन रेट उनकी भी प्लस में है 0.555। और 2 मैच अगर पाकिस्तान की टीम जीतती है तो उनके भी 6 पॉइंट्स हो जाएंगे और भारत के भी 6 पॉइंट्स होंगे अगर भारत ऑस्ट्रेलिया से अगला मैच हार गया। ऐसे में रन रेट वो डिसाइड करेगी कि कौन सी टीम सेमीफाइनल में जाएगी। और एक टीम और है इस ग्रुप में, न्यूजीलैंड की टीम, उन्होंने भी 2 में से 1 मैच हारा है और 1 जीता है। उनकी रन रेट माइनस में है, -0.050। उनके चांसेस थोड़े से कम हैं। अब भारत को सबसे बड़ा अब जो खतरा है सेमीफाइनल का वो ये है कि या तो आप अपना अगला मुकाबला जीतें ऑस्ट्रेलिया से तो आप तकरीबन सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेंगे, और अगर आप हार गए फिर आपको देखना होगा कि पाकिस्तान भी अपने अगले मैचेस हारे और अच्छे मार्जिन से हारे, ताकि रन रेट के मामले में अगर पाकिस्तान भी 6-6 पॉइंट्स पर, पाकिस्तान और भारत की टीमें होती हैं तो रन रेट पाकिस्तान की कम होनी चाहिए। बाकी एक बची टीम श्रीलंका, जो तकरीबन इस वर्ल्ड कप से बाहर हैं, 3 में से 3 मैच उन्होंने हारे हैं। तो एक बार फिर बता दूं, अब 13 तारीख को भारत वुमेन्स टीम का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम के साथ T20 वर्ल्ड कप में, और वो मस्ट विन मैच है भारत के लिए। अगर भारतीय टीम वो मैच जीतती है तो हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे, और अगर हारती है फिर हमें देखना होगा कि पाकिस्तान अपने अगले मैचेस जीतती है या नहीं, या न्यूजीलैंड अपने अगले मैचेस जीतती है या नहीं। सो आप भारतीय क्रिकेट टीम को बेस्ट विशेस दे सकते हैं वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के लिए, ताकि हमारी टीम सेमीफाइनल में पहुंचे, फिर फाइनल में, और हम ये ट्रॉफी, जिस तरह मेंस टीम ने इस साल ये ट्रॉफी उठाई है, हमारी वुमेन्स टीम भी उठाए। देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी, मैं हिमांशु, धन्यवाद।